हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये वीडियो में देखने वाले हैं हाउ टू कन्वर्ट हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है 1AC5, यहाँ पे 16 लिखा है, मतलब कि ये गिवन नंबर इज इन हेक्साडेसिमल एंड फाइंड आउट इन बाइनरी नंबर। यहाँ पे 2 लिखा है, मीन्स हमें बाइनरी नंबर फाइंड करना है। तो यही नंबर हमने यहाँ पे लिख दिया 1AC5। अब हर एक डिजिट का हमें इंडिविजुअल इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर फाइंड करना है। अभी हम हेक्साडेसिमल की बात कर रहे हैं, तो हमें 8421 याद रखना है। फर्स्ट नंबर 1 है, तो 1 की पोजीशन पे 1, बाकी 8 की पोजीशन पे 0, 4 की पोजीशन पे 0, 2 की पोजीशन पे 0। तो 1 क्या होगा, 0001 उसका बाइनरी नंबर होगा। नेक्स्ट नंबर आता है ए। ए मीन्स हमें 10 कंसिडर करना है यहाँ पे। तो 10 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम बाइनरी इक्विवेलेंट में, 8 की जगह 1, 4 की जगह 0, 2 की जगह 1 और 1 की पोजीशन पे 0। तो ये 10 की इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर है। सी, तो सी कैसे होगा, सी इज इक्वल टू हम 12 कंसिडर करेंगे। तो 8 प्लस 4 12 हो गया, तो 8 की पोजीशन पे 1, 4 की पोजीशन पे 1, 2 और 1 की पोजीशन पे 0। और 5 हमें फाइंड करना है, तो 5 कैसे फाइंड करेंगे, 4 प्लस 1 तो 5 होगा। तो 8 की पोजीशन पे 0, 4 की पोजीशन पे 1, 2 की पोजीशन पे 0 और 1 की पोजीशन पे 1। तो ये हमने ए सी 5 और 1 की हमने फाइंड कर दिया बाइनरी। बस ये अब यहाँ पे उसकी पोजीशन पे हमें ऐड करना है। तो 1 का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर क्या आया, 1। ए का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर क्या आया, 1010। सी का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर क्या आया, 1100। और 5 का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर क्या आया, 0101। बस इसको अब हमें कंबाइन कर देना है। फाइनली हमें 1AC5 हेक्साडेसिमल का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर मिल गया है।